गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर टॉपिक, जो गार्नर वर्सेस मुरे रूल है, केस जो है वो कैसे यूज होता है, वो रूल इंडिया में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कहता है वो ऑब्जेक्ट नहीं करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी डिसीजन दिया गया गार्नर वर्सेस मुरे केस में। तो क्या निकल के आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ये रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उन्हें जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हो रहा है, जो उनका शेयर है लॉस ऑन रियलाइजेशन का, उन्हें उसे कैश में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में वापस आपको उसे पे बैक करना पड़ता है। तो जो रूल निकल के आया दैट इज जो इंडिया में अप्लाई होगा, जो डेफिशिएंसी है कैपिटल अकाउंट की इनसॉल्वेंट पार्टनर की, उसे डिवाइड किया जाएगा अमंग सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। और जब आप अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मुरे रूल आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उस केस में जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, जो भी उनका लॉस एंड रियलाइजेशन है, उसे कैश में वो लेके आएंगे, उसे आपको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो इलस्ट्रेशन 12 हम देखते हैं। कीपिंग इन माइंड द फैक्ट्स ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे डिस्प्यूट, अब नेसेसरी अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे इनके डिस्प्यूट के आफ्टर द डिसीजन ऑफ अबव डिस्प्यूट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट में हमें शो कर रहा था जो लॉस था 636 रुपीस का, पाउंड का। तो 636 पाउंड का जो आपका लॉस था उसे हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में, गार्नर मुरे एंड विल्कंस के बीच में इक्वल रेशियो में। देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले उनका जो बैलेंस था, बैलेंस पीडी हमने शो कर दिया, विल्कंस का डेबिट था और जो गार्नर और मुरे था उनका क्रेडिट था। लॉस को हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो पार्टनर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन कौन है, गार्नर और मुरे, वो अपना जो लॉस का शेयर है, जो रियलाइजेशन किया लॉस उन्हें हुआ है, उसे कैश में लेके आएंगे। वो कैश में लेके आए तो बाय कैश अकाउंट एंट्री हो गई 212212। उसके बाद अब हमने दोनों साइड्स को बैलेंस किया, तो बैलेंस सीडी आपका दोनों साइड पे आ गया। जो लॉस विल्कंस का है दैट इज 475। अब ये जो 475 है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉल्वेंट पार्टनर्स में, लेकिन उनकी कैपिटल रेशियो के बीच में। अब कैपिटल रेशियो क्या होगी, जो ये बैलेंस सीडी शो हो रहा है आपको गार्नियर और मुरे के अकाउंट में, दैट इज 2500 और 314, इस रेशियो में जो ये 475 है वो डिवाइड होगा। तो ये जब आप रेशियो निकालते हैं 2500 और 314 की, इस रेशियो में हम उसे डिवाइड करेंगे। तो ये जो लॉस है 475 को, इसे हमने डिवाइड किया 2500 और 314 की रेशियो में। जब आप 2500 और 314 निकालते हैं तो आपका जो रेशियो आता है दैट इज 8/9 और 1/8 हो जाएगा आपका। तो 475 का 8/9 आपने निकाला तो 422 गार्नियर की कैपिटल अकाउंट में गया और के अकाउंट से गया, गार्नियर के कैपिटल अकाउंट से गया, विल्कंस के कैपिटल अकाउंट का जो लॉस था और जो म्यूरिक का कैपिटल अकाउंट था उसमें 475 इंटू 1/8 53 गया, और टू विल्कंस कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे 422 गार्नियर के कैपिटल अकाउंट में और म्यूरिक के अकाउंट में 53। तो दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो जो फाइनल कैश पेमेंट होगी गार्नर और मुरे को वो आ जाएगी। गार्नर को होगी 2078 की और मुरे को होगी 261 रुपये पाउंड की। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कैश अकाउंट में हम शो कर रहे हैं इस चीज़ को। बैलेंस पीडी कैश का जो बैलेंस था 1915, गार्नर और मुरे जो लेके आए 212 और 212 जो वो कैश में लेके आए थे रियलाइजेशन का लॉस अपना, और फाइनल जो पेमेंट गार्नर कैपिटल अकाउंट और मुरे कैपिटल अकाउंट में हुई 2078 एंड 261, दोनों साइड्स जो है आपकी वो बैलेंस कर जाएंगे। देन एक फुल फ्लेज हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16, ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2 respectively. Following is the balance sheet of the firm on 31st March 2010. Creditors, A's ka loan account, A's capital, B's capital, bank balance, sundry debtors, less reserves, stock, furniture, machinery, C capital or D capital, debit balance unka. Firm was dissolved and B was appointed to realize the assets and pay off the liabilities.
ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द अकाउंट ऑन द अमाउंट एंड फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स एज कैपिटल एंड वॉज टू बियर द एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन. द एसेट्स रियलाइज्ड एज डेब्टर्स स्टॉक फर्नीचर मशीनरी. देयर वॉज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 30,000 विच वॉज सरेंडर्ड फॉर 3,000. एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 500. सी बिकेम इनसॉल्वेंट बट 3,700 वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं. एसेट साइड से हम ट्रांसफर कर रहे हैं चीज़ें. सनड्राई डेप्टर्स को हमने ट्रांसफर किया. स्टॉक फर्नीचर मशीनरी ट्रांसफर हो गया हमारा. देन लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा हमारा सिर्फ. और यहाँ जो एसेट साइड में आपका रिजर्व दिया हुआ था वो ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट. देन एसेट्स रियलाइज्ड जो हुई हैं दैट इज डेप्टर्स ने 11,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट डेप्टर्स 11,000, स्टॉक 8,000, फर्नीचर 1,000, मशीनरी 4,000 एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो 30,000 की थी उसने सरेंडर किया 3,000. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3,000. तो ये हमारी एसेट्स ने रियलाइज किया. लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो लाइबिलिटीज़ को हम पे कर देंगे. लाइबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स हैं 15,500 के. तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए 15,500 के. देन दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका लॉस आता है और इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं. सबसे पहले ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस गिवन है बैलेंस शीट में ए बी सी और डी का, इसे ट्रांसफ़र हमने किया. ए और बी का बैलेंस और डेबिट साइड पे सी और डी का बैलेंस. उसके बाद ये जो रियलाइजेशन का लॉस था इसे हमने ट्रांसफ़र किया डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2850 1900 एंड 1900. उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है कि सी इंसॉल्वेंट हो गया और उसके एस्टेट से 3700 रुपीज़ जो हैं वो रिकवर्ड हुए हैं. तो इस 3700 उसके जो रिकवर हुए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 3700. अब हम देखते हैं इसमें जो डेफिशिएंसी है सी के अकाउंट की उसे कैसे क्लियर किया जाएगा. अब इसमें एक चीज़ देखिए, डी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, सिर्फ सी जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है. तो मतलब जो लॉस बियर करना है पार्टनर्स ने, सॉल्वेंट पार्टनर्स ने, वो सिर्फ सी जो है उसका लॉस बियर करना है. क्योंकि जो डी है उसका डेबिट बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में स्टैंड कर रहा है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. तो जो भी सी की इंसॉल्वेंसी की वजह से लॉस हो रहा है वो सिर्फ ए और बी शेयर करेंगे, वो डी शेयर नहीं करेगा क्योंकि उसका अकाउंट ऑलरेडी जो है वो लॉस शो कर रहा है. उसका अकाउंट ऑलरेडी डेबिट बैलेंस शो कर रहा है. तो जो ए और बी हैं जिनकी कैपिटल रेशियो है दैट इज 4:3, उसी रेशो में वो बियर करेंगे लॉस को. अब जो इनकी कैपिटल रेशो है देखिए, एस कैपिटल बीस कैपिटल 20 और 15, तो 4:3 की रेशो आ गई. तो ये जो लॉस है सी की डेफिशिएंसी का वो कितना निकल के आता है आपका, इसका अगर हम टोटल करें इस साइड का सी के अकाउंट का 6,000 एंड 1,900. 6,000 उसका डेबिट बैलेंस था और 1,900 उसका रियलाइजेशन लॉस था. तो टोटल लॉस उसका जो था वो 7,900 था. 7,900 में से 3,700 रिकवर हो गया. बाकी जो उसका लॉस बचा उसको हम डिवाइड करेंगे ए और बी में इन द रेशो ऑफ 4:3 जो उनकी कैपिटल रेशो है. तो जब उसको आपने डिवाइड किया तो ए का जो कैपिटल लॉस जो सी बियर करेगा, ए का कैपिटल अकाउंट वो होगा 2,400 और जो बी बियर करेगा वो होगा 1,800. तो 7,900 में से जब आप माइनस करते हैं 3,700 तो आपका आता है 4,200. तो जो 4,200 का लॉस है वो 4:3 की रेशो में आप डिवाइड करते हैं तो ए के शेयर में आएगा 2,400 और बी के शेयर में आएगा 1,800. तो बाय एस कैपिटल सी के अकाउंट में हमने लिख दिया 2,400 एंड बाय बीस कैपिटल अकाउंट 1,800. और उसी को इफेक्ट डेबिट साइड पे टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,400 ए के कैपिटल अकाउंट में एंड 1,800 बी के कैपिटल अकाउंट में. उसके बाद दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो जो डी है
डी का अकाउंट जब आपने बैलेंस किया तो डी जो है अमाउंट लेके आएगा वो होगा 17,900, वो पे करेगा, और जो ए को दिया जाएगा वो होगा 24,750, जो बी को दिया जाएगा वो होगा 10,350, और जो सी का है उसका लॉस जो सॉल्वेंट पार्टनर है और बी वो बेयर कर चुके हैं। अब जो पॉइंट रहता है दैट इज़ जो कमीशन बी को मिलनी है, तो ये जो बैलेंस है इसे हम ब्रॉड डाउन करेंगे ए और बी के बैलेंस को। अब जो बी को कमीशन मिलनी है वो कितनी कमीशन मिलनी है, उसे मिलनी है कमीशन एंटाइटल टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द अमाउंट पेड टू अदर पार्टनर्स एज कैपिटल एंड वॉज टू बियर द एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन। तो ये जो एक्सपेंसिस है 500 के वो बी बियर करेगा, उसका हमें कुछ नहीं करना है। जो पार्टनर्स को एज अ कैपिटल पे किया उसका 5% मिलना है। तो पार्टनर को हमने जो कैपिटल में पे किया वो हमने ए को पे किया है, ए को हमने कितना पे किया है, उसकी कैपिटल जो है वो कितने की है। अब यहाँ पे देखिए ए का लोन अकाउंट भी था तो वो भी पे ऑफ आपको करना होता है, तो यहाँ पे बाय लोन अकाउंट भी हमने मेंशन करना है 10,000 का। उसके बाद जो बैलेंस है ए का वो निकलेगा, तो वो निकला हमारा 24,750। ये जो बैलेंस है ए के कैपिटल का वो कमीशन अलाउ करने से पहले का है। कैपिटल जितना पे किया हम सिर्फ वो ले रहे हैं। जो पार्टनर का लोन है वो कब पे किया जाता है, अगर कुछ अमाउंट बचता है तो, लेकिन इस केस में तो यहाँ पे तो डेफिशिएंसी हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब जो ए का लोन है वो खुद ही उसे ले रहा है 10,000 रुपीज को। तो लेस करेंगे अमाउंट ए के लोन के 10,000, तो जो अमाउंट बचा ए के कैपिटल में वो था 14,750। इस पे 5% आपने निकालने हैं, बिफोर अलाउइंग कमीशन अमाउंट निकाला और उसके बाद अमाउंट ऑफ एज लोन माइनस किया तो आपका अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट पे 5% आपने कमीशन दिया, 5/105 तो 702 आपका कमीशन आया। तो टू एज कैपिटल अकाउंट 702 और क्रेडिट साइड पे बाय एज कैपिटल अकाउंट बी के अकाउंट में 702। अब आप दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो ए को जितना अमाउंट पे होगा वो होगा 24,048 और बी को जितना अमाउंट पे होगा वो होगा 11,052। देन कैश और बैंक अकाउंट बैलेंस कैश का जो दिया हुआ है 2,000, रियलाइजेशन अकाउंट 27,000 जो एसेट्स ने रियलाइज किया, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 3,700 जो रिकवर हुआ, टू डीज कैपिटल अकाउंट जो डी लेके आया 17,900, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर जो आपने पे किया क्रेडिटर्स को 15,500, एंड बाय ए कैपिटल अकाउंट 24,048 जो ए को पे किया, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 11,052 जो आपने बी को पे किया। तो दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो दोनों का जो एक टोटल है वो इक्वल आएगा, एंड व्हेन टोटल ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल इट शोज योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द क्वेश्चन, एंड दिस फिनिशेस योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।